सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज आ चुके हैं आपको जबलपुर की एक और अच्छी जगह दिखाने, जिसका नाम है यहाँ की हनुमान मंदिर है, चिंतामणि हनुमान मंदिर है, जो कि अपने बाईपास पाटन रोड साइड है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के बहुत ही प्यारे हनुमान जी, और यहाँ की जो कलाकारी है वो बहुत शानदार की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप, और बारिश हो रही गाइज बहुत तेज, और वहाँ पे अपनी मंदिर है आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और जो लोग चैनल पे नए आ रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी। और गाइज ये विदित सिग्नेचर देख सकते हैं आप, कितना प्यारा बनाया गया है। और ये एक कॉलोनी है, और बहुत ही शानदार यहाँ पे जो कारीगरी की गई है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये प्रतिमा बनाई गई है जो कि बहुत ही प्यारी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, एक ये प्रतिमा बनाई गई है ये भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे आगे भी एक और ये प्रतिमा बनाई गई है। बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पे, और कलाकारी बहुत ही अच्छी अच्छी की गई है, देख सकते हो आप लोग सब। और बस अपन मंदिर पहुँचने वाले हैं भाई, बारिश बहुत तेज़ हो रही है जिसके कारण अपन, और एक ये देखो भाई क्या शानदार। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए जितनी मतलब चलते जा रहे हैं, कलाकारी एक से एक दिखती जा रही है अपने को, आप देख सकते हैं। देखिए ये भी एक कलाकारी यहाँ पे भी है, ये देखिए बहुत। और गाइज ये है चिंतामणि हनुमान मंदिर जी, देख सकते हैं आप, चिंतामणि हनुमान जी मंदिर ये रहा। तो चलिए चलते हैं, ये एंट्रेंस और वहाँ पे है मंदिर अपना, और बारिश बहुत खतरनाक हो रही है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो पहले यहाँ पे जूते चप्पल उतार लेते हैं अपन, फिर चलते हैं उधर। और गाइस देख सकते हैं अपन जा रहे हैं, और ये रोप बना है बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा रोप ये बना है। और यहाँ पे कलाकारी आप लोग देख सकते हो, कितने सारे फूल वगैरह यहाँ पे सब लगाए गए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। और वहाँ पे है मंदिर, तो अपन यहाँ पे चल रहे हैं, और सम्यक भाई अपना वीडियो शूट कर रहे हैं रील के लिए। आपको अगर देखना हो तो व्हाट्सअप जबलपुर को फॉलो करें, और यहाँ पे लिखा है कृपया रैप पर चले, घास में ना चले, क्योंकि घास लगाई गई है आपकी सुंदरता के लिए, शोभा के लिए। तो चलिए और ऊपर दिखाते हैं आपको, और बारिश भाई हो रही भाई, भीगते हुए दिखा रहे हैं। और इधर देखो क्या प्यारा गांव भी है यहाँ पे, ये मतलब पाटन साइड ही आ गए अपन, तो गांव भी है, खेती हुई है यहाँ पे, देखो बहुत ही अच्छी। और ये रहा मंदिर अपना चिंतामणि हनुमान मंदिर। तो चलिए चल ही रहे हैं बस अपन, और गाइज आ चुके हैं, बस एक स्टेप और अपने को जाना है। और भाई बारिश के कारण मेरे कैमरे में पानी आ जा रहा है बार बार, मैं पहुँचते पहुँचते कैसे भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो बस चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है हर मंगलवार एवं शनिवार शाम 6 से 7:30 बजे प्रसादी ग्रहण करें, ठीक है। और ये है अपना एंट्रेंस, तो जय श्री राम, जय हनुमान। और गाइस देख सकते हैं क्या प्यारा मंदिर, बहुत ही प्यारा बनाया गया है, इसको जितना प्यारा हो सकता है उतना प्यारा बनाया गया है। और यहाँ पे एक और मंदिर है, पता नहीं किसका है, बंद है ये तो। और गाइस बाकी ये रहे अपने हनुमान जी, चिंतामणि हनुमान जी, देख सकते हैं गाइज आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। और भाई देखो बहुत ही विशाल मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है भगवान जी की, देख सकते हैं जैसा कि आपको। और यहाँ पे एक दान पेटी भी बनाई गई है जो कि पूरा मार्बल से बनाई गई है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी, जय श्री राम। तो आप लोग सिनेमैटिक्स देखिए, बहुत ही शानदार बारिश हो रही है यार, मजा आ रहा है, लेकिन एक टाइप का कैमरे में पानी भी पड़ रहा है तो आपको थोड़ा अच्छा ना दिख रहा होगा, लेकिन चलिए अपन कोशिश करके और आपको सिनेमैटिक्स एक प्यारा सा व्यू दिखाते हैं, चलिए। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पुजारी जी हम लोग की टीका वीका लगा चुके हैं, और अपन दिखा नहीं पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, और प्रसाद वगैरह अपन ग्रहण कर लिए। तो आपको भी अगर आना हो तो इसकी लोकेशन में बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप आ सकते हो। बाकी बहुत ही प्यारा मंदिर भाई, यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए जय श्री राम का क्या मस्त झंडा लहरा रहा है, और पीछे का बैकग्राउंड कितना मस्त है, आज का मौसम मतलब इतना अच्छा है उसके कारण बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा आ रहा है। और ये भी एक मंदिर है, ये अपने को पता है नहीं काहे का है, मतलब कौन से भगवान का है ये नहीं पता अपने को। तो आइए पुजारी जी से ही पूछ लेते हैं कि किनका है, तो आइए देखते हैं, पूछेंगे उन्हीं से किनका मंदिर है ये। तो बाकी हमारे चिंतामणि हनुमान जी तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि, और भाई बहुत ही शानदार, मतलब प्राइवेट है ये, किसी के द्वारा बनवाया गया एक सोसाइटी में, देख सकते हो आप लोग। और क्या मस्त प्यारा वहाँ पे जो घंटा है वो मतलब लगाया गया है, बहुत ही शानदार, और देख सकते हैं आप लोग। और भाई जय श्री राम फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे गाने चल रहे हैं शानदार, एसी वगैरह सब व्यवस्था की गई है भगवान जी के लिए,
और देख सकते हैं इन्वर्टर वगैरह सब कुछ, और बाकी बहुत ही शानदार और विशाल प्रतिमा बनाई गई है हनुमान जी की, चिंतामणि हनुमान जी की, बहुत ही प्यारी प्रतिमा भाई, बहुत ही प्यारी। तो गाइज यही था आज का व्लॉग, आप लोग देख रहे हो बहुत ही प्यारा, मतलब यहाँ पे आगे अलग ही सुकून देख सकते हो। यहाँ पे भी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे भी कुछ बन ही रहा है, स्विमिंग पूल तो एक वो समझ में आ गया वो है, और बाकी शायद घर वगैरह बन रहे होंगे क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग, और बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो चलिए और दिखाते हैं आपको, और पुजारी जी से पूछते हैं किसका मंदिर है ये, ठीक है। और गाइस देख सकते हो, आइए आपको पीछे से व्यू दिखाते हैं मंदिर का। तो देख सकते हैं इधर एक सोसाइटी है जो कि अभी बनी रही है, और बहुत लोग रहने भी लगे हैं, और एक दो घर मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं अभी, और इधर बन रहे हैं, वहाँ पे एक और मंदिर बन रहा है, पता नहीं काय का है मंदिर, भगवान कौन से भगवान का मंदिर है। बाकी इधर पूरा खेत खेत दिख रहा है, गाँव की याद आ गई भाई यहाँ पे आके। तो आइए चलते हैं आगे, पुजारी जी दिख नहीं रहे, उनसे पूछते हैं। बाकी धूप आ रही है, अब भिगा के हमको अब धूप आ रही है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, पुजारी जी तो अब दिख नहीं रहे अपने को, कहाँ गए, तो नहीं तो पूछते उनसे। और जय श्री राम, जितने बार यहाँ पे आओ भाई, मतलब अलग ही मज़ा आता है, अलग ही एक वाइब आती है। जय श्री राम। और गाइज यहाँ पे एक तुलसी माता जी का भी विशाल पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और देख सकते हैं आप लोग बहुत शानदार। बाकी अपना भगवा रंग का जो झंडा है वो लहरा रहा है। और गाइज यहाँ पे दद्दा जी की मूर्ति है, जो कि अपने देव प्रभाकर शास्त्री जी है ना पंडित जी, जो कि कटनी वाले थे, उनकी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। आइए दिखाते हैं आपको, और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी बेकायदे कूलर वगैरह लगाया गया है। ये रहे दद्दा जी, देख सकते हैं आप लोग। और गाइज आपको दिखा दिए, इनमें भी मतलब जो दद्दा जी थे अपने, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ पे गाइज आप देखिए फूल वूल कितने शानदार लगाए गए हैं, और देखिए यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगाई गई है, रात में लाइटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, मतलब जो भी बनवाए हैं बहुत ही प्यारी, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। आप भी आइए यहाँ पे ज़रूर, और हो सके तो मंगलवार शनिवार को आइए, तो यहाँ ज़्यादा भीड़ आपको देखने मिलेगी। अभी ज़्यादा लोग जानते हैं नहीं इस जगह को, लेकिन अपन आए हैं आपको दिखाने, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे यहाँ पे फूल वगैरह लगाए गए हैं। तो एक बार यहाँ से आप नीचे का व्यू देखिए, कितना शानदार और कितना प्यारा, अपन वहाँ से आए हैं जैसा कि आपको पता है, और उधर पार्किंग है उधर पे, और ये इधर से पूरा चल के गोल गोल, मतलब क्या, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही मतलब मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे आके। और सम्यक भाई बोल रहे थे जाने के लिए, तो हम बोले, हम खुद बोल रहे थे कि गाइस को दिखाना है, तो अपन आ गए। और यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है, देखिए पूज गुरु दद्दा जी लिखा हुआ है नाम इनका, और बाकी इधर अपने चिंतामणि हनुमान जी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। गाइज अब अपन चल रहे हैं यहाँ से, और आपको एक बार पूरा एंट्रेंस जहाँ से अपन आए वो अच्छे से दिखा देंगे, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी तो अच्छे से दिखा नहीं पाए थे, लेकिन अब दिखा देंगे आपको। और बाकी यहाँ पे देखिए हाथ मुंह भी धुलने की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है यहाँ पे खतरनाक, देख सकते हैं आप लोग भी जरूर यहाँ विजिट करिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के बाहर का जो व्यू है वो दिखाते हैं। बाहर आ चुके हैं फिर से, आप लोग एक बार फिर से देख लो, ये था एंट्रेंस। और इधर चलते हैं आपको दिखाते हैं एक बार अच्छे से, लोकेशन भी दिखाते हैं, और इधर की कलाकारी एक बार और अच्छे से आपको दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे छोटी सी पार्किंग है, तो सोसाइटी है, और देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रत्येक मंगलवार और शनिवार, तो आपको बता ही चुका मैं, पढ़ लो बाकी आप लोग। और बाकी अभी सोसाइटी डेवलप हो रही है, अभी इस पे घर वगैरह बन रहे हैं, उधर पार्क वगैरह भी बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं और अच्छे से इसका व्यू बाहर से एक बार अच्छे से। तो चलिए चलते हैं, जाने से पहले यहाँ पे अपने को एक पार्क दिख गया है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए इसके अंदर दिखाते हैं कैसा क्या है, यहाँ पे बहुत ही शानदार मतलब व्यू यहाँ का आ रहा है, तो आइए आपको दिखाते हैं। वो रहा अपना मंदिर, वहाँ पे वहाँ से बना रहे हैं, और बाकी आप लोग एक बार ये देखो, ये फाउंटेन कितना प्यारा बनाया गया है, मतलब यार मानना पड़ेगा बहुत ही सही जगह पे ये चीज़ बनाई गई है। और देखो वहाँ से सीढ़ी है, अपन ऊपर भी जा सकते हैं, चलिए देखते हैं, जाके दिखाएंगे आपको। बाकी आप पार्क देख सकते हो, यहाँ घूमने आ सकते हैं आप अपने फैमिली के साथ, बहुत ही प्यारी जगह है भाई, बहुत ही प्यारी। बाकी बारिश हुई है, थोड़ा फिसलन वगैरह है, लेकिन कोई बात नहीं, और देख सकते हो अपन अभी चल रहे हैं, बहुत ही सही और बहुत ही प्यारी जगह है यार, मानना पड़ेगा। जिनने बनाया उनको दिल से सलूट, अब इतने अपन को पता नहीं है, ये है प्राइवेट, इतना तो बताएं पंडित जी, अपन पूछ नहीं पाएंगे मतलब किन्ने ये बनवाया है। तो कोई बात नहीं, आपको चीज़ दिखाने से मतलब है, जगह दिखाने से कहाँ पे है। तो आइए अपन ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, और शायद यहाँ पे जिम है, शायद, पता नहीं मेरे को उस कांच के अंदर क्या है, आई डोंट नो। तो आइए देखते हैं क्या है। गाइस यहाँ पे जिम ही है, जिम ही है ये, इसके अंदर जिम है, मतलब मशीनें दिख गई अपने को। और बाकी जाने का रास्ता यहाँ से है, देख सकते हैं आप लोग, और मैं अभी इधर आ चुका हूँ। और यहाँ पे और कुछ है, ये चीज़ क्या है, आई डोंट नो।
कुछ तो यूज की ही होगी, और बाकी यहाँ पे सफाई चल रही है, आप देख सकते हैं। ऊपर जाके दिखाते हैं एक बार आपको कैसा आ रहा है व्यू यहाँ का, देख सकते हो ये अंदर मतलब अंडरग्राउंड टाइप का है, ऊपर जिम है इसके। तो आइए ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक बार अच्छे से। और गाइस देख सकते हैं इसके ऊपर से मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर अभी फिसलन बहुत ज़्यादा क्योंकि पानी बहुत है, और अपने सम्यक भाई उधर रहे, आ रहे हैं, बोल रहे हैं आ जाऊँ मैं भी। मैं बोला आओ भाई, तब से मैं दिखाऊँ गाइस को आप लोगों को। और भाई मौसम देख रहे हो कितना प्यारा बन चुका है आज। और ये मेरा शूट जो हो रहा है ये रेडमी नोट 10 लाइट से हो रहा है एंड्रॉयड फ़ोन से, तो आप बताना कैसा आ रहा है इस पर, मतलब शूट जो व्यू आ रहा है आपको फ़ोन का कैसा आ रहा है, मतलब फ़ोन से जो व्यू आ रहा है फ़ोन का क्या व्यू आ रहा है, वो देख रहे हैं सम्यक भाई आ रहे हैं उधर से। और बाकी यहाँ से मैं चढ़ता जा रहा हूँ, आपको एक प्यारा सा सिनेमैटिक दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के यहाँ का भी। बस पहुँच ही चुके हैं भाई, फिसलन बहुत है क्योंकि बारिश हुई है अभी, देख सकते हो गाइस आप। चलो एक सिनेमैटिक आपको प्यारा सा दिखाते हैं यहाँ का, और तो चलिए दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मैं खड़ा हो चुका हूँ, और आप बताना पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा आ रहा है। बहुत ही प्यारा आ रहा है भाई, मेरे को यहाँ पे आगे लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका। और देख सकते हो वहाँ पे रोड एंड हुई है इसकी, और इधर पूरा गांव वाला एरिया, जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरे हर एक जगह खेती हुई है। अभी देख सकते हो आप लोग धान की खेती चल रही है, मतलब जो चावल होता है उसकी खेती चल रही है, तो उसकी खेती लगी हुई है पूरे इधर। और यहाँ पे वहाँ की घर वगैरह और बन रहे हैं और डेवलप हो रही है भाई, बहुत ही अच्छी जगह पे है। और ये जगह पे मतलब घर लेना मतलब क्या बोलूँ, अब जन्नत पा जाना, सब कुछ है यहाँ पे। और अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है इसको। और बाकी आप लोग ये व्यू देख सकते हो, अपन आए हैं वहाँ से, वो आपको एंट्री गेट दिख रहा होगा वहाँ से। तो चलिए अब बाहर साइड चलते हैं, और एक चीज़ ये नई दिखी तो हम सोचे दिखा दें आपको, बाहर से चलते हैं एक बार, आपको अच्छे से लोकेशन दिखाते हैं और एक बार अच्छे से व्यू दिखाते हैं, क्योंकि उस बार बारिश के कारण अपन दिखा नहीं पाए थे। तो चलिए चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। हम नीचे जा रहे हैं और गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, और आपको बाहर का एक बार अच्छे से व्यू दिखा देते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। लेकिन फिसलन बहुत है, आराम से चलना पड़ेगा। गाड़ी अपनी इधर है, कहाँ इधर है इधर। चलिए गाइस चलते हैं और आपको बाहर मिलते हैं, दिखाते हैं एक बार अच्छे से। बाय बाय, इसको बाय बाय, आपको नहीं, आप अभी रुकना। और गाइस देख सकते हो पीछे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, मैं सोचा आपको दिखा दूँ। हमारे सम्यक भाई देखे कि देखो भाई व्यू कितना प्यारा आ रहा है, हम सोचे आपको दिखा दें। और पीछे की जो कलाकारी है वो भी आप देख सकते हो, और सम्यक भाई वीडियो शूट कर रहे हैं तो उनको कर लेने देते हैं, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा भाई, मानना पड़ेगा। और बस अपन अब बाहर पहुंचने वाले हैं, बाहर से एक बार आपको व्यू दिखाते हैं और फिर यहां से चलते हैं। देख सकते हैं अपन अब एकदम बाईपास वाली रोड पे आ चुके हैं, पाटन रोड की। और देख सकते हैं यहां पे आपको पोस्टर मिलेगा, अगर आप इस रोड से गुजरोगे पाटन वाली रोड से, आपको यहां पे ये पोस्टर दिखेगा। ये कॉलोनी है एक टाइप की, और विदित सिग्नेचर करके जो कॉलोनी है उसी के अंदर है ये, आपको यहां पे मिलेगा अभी पोस्टर, श्री चिंतामणि हनुमान जी मंदिर जो है। और इधर से एंट्रेंस था अपना, तो इधर ही से अपन आए हैं। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम। और इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप जबलपुर को और अपने को भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, हॉर्न मत मारो।